शार्क टैंक में इतनी धमाकेदार पिच देने के बाद भी क्यों हुए सारे शार्क्स डील से आउट? ओ बारी बरसी करण गया सी, ओ खटगले अंदर नेक, अब शार्क खुश होकर देंगे इनको 35 लाख रुपए का चेक। तो क्यों ना शार्क्स को खिलाया जाए हमारे छोले कुलचे और उनके फ्यूजन आइटम। तो इन लोगों का प्रोडक्ट है छोले कुलचे, बेसिकली इन लोगों ने दिल्ली मैक्सिको फ्यूजन तैयार किया है। टेस्ट के हिसाब से भी सभी शार्क्स ने इनके प्रोडक्ट को लाजवाब बताया। तो फिर ऐसी क्या कमी थी जिसके वजह से सभी शार्क्स इस डील से आउट हो गए? वेल, कोई दलियो इन्होंने कोविड में सर्वाइवल के लिए स्टार्ट किया था एंड लक बाय चांस इनका स्टार्टअप बहुत अच्छा चला, बट स्टिल दे हैव ओनली सिंगल शॉप इन मुंबई ओनली एंड ओवरऑल 11 लाख की ये सेल कर पाए हैं ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स में। इस वजह से इसमें कोई खास ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला अभी तक। ट्रैक्शन मतलब ग्रोथ या फिर कह सकते हैं प्रोग्रेस। यार मुझे भी लगता है इतने छोटे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट के लिए इतने बड़े शो पर पिच देना सही नहीं है, क्योंकि उसको स्केल करने में काफी ज्यादा समय लग जाना है और फंडिंग के बाद भी डिफरेंट लोकेशंस पर उसकी आउटलेट्स ओपन करना इज अ रिस्की गेम फॉर इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर ये एक अच्छा डिसीजन था शार्क्स की तरफ से। बाय द वे मुझे लगता है ये अपनी नानी की शॉप को नेशनल लेवल पे फेमस करने आए थे। नानी जी जो है पंचमपुरी वाला, मेरी जो नानी जी है पंचमपुरी वाला करके। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मुझे फॉलो कर लो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।